रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो अगले घंटे तक हम दोनों आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स और लॉकडाउन तक की तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तमाम वो खबरें होंगी जहां पर राज्यवार स्थिति भी कोरोना को लेकर होगी। ये तेज मामले कैसे परेशान कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 भी अब खत्म होने वाला है और ऐसे में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी सरकार की रह सकती है, इस पर जानकारी होगी। साथ ही आपको बताएंगे और दिखाएंगे कैसे पुलवामा में एक और आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आईडी डिफ्यूज कर सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस पर कोरोना वायरस का जबरदस्त तरीके से प्रहार, एक और SHO वायरस की चपेट में आ गए हैं, ये पूरी रिपोर्ट आगे। साथ ही एक और 11 में बात होगी क्वारंटीन सेंटर की, जहां पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने खुद ही क्वारंटीन सेंटर जाकर इसका जायजा लिया। कोरोना संकट के बीच टिड्डी ने भी कई राज्यों पर तीखे हमले किए हैं, फसलें चौपट हो गई हैं। टिड्डियों के इस खतरे को लेकर भी खबर होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। तो देखिए, एक देश इस वक्त कोरोना की जंग लड़ रहा है, लेकिन इस बीच भी आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने खून खराबे की एक और साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। आतंकवादियों ने एक सेंट्रो कार में IED लगाकर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को ध्वस्त कर दिया। IED को डिफ्यूज कर दिया गया। बारूद से लदी हुई थी ये कार, लेकिन इस कार की नंबर प्लेट पर 2-व्हीलर का नंबर था। सुरक्षा बलों को देखते ही जो ड्राइवर इस कार में मौजूद था वो फरार हो गया, लेकिन IED को ध्वस्त किया गया और जो जबरदस्त धमाका हुआ वो देखिए। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलवामा में जिस तरह का हमला इससे पहले हुआ है, क्या वैसी ही कोई साजिश एक बार फिर से प्लान की गई थी जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। अब इस मामले की जांच NIA करेगी। शुजाउल्लाह का हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, आप सुबह से ही इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, अब NIA को जांच सौंप दी गई है, क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हैं जिसको लेकर आगे अब NIA बढ़ेगा और जांच पूरी करेगा? शुजा, जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है। जैसा हम सुबह से ही बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों को लगातार पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ के इनपुट्स आ रहे थे कि ऐसा कार ब्लास्ट होने की आशंका है। तभी जैसा कि आप सुबह से ही DG जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह को भी सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाके और अलर्टनेस जो है ज़मीन पर इन इलाकों में बढ़ा दी गई थी, और उसी का नतीजा ये निकला कि कल रात को जब ये गाड़ी इस पुलवामा के इस इलाके में पहुंची तो उसको रोका गया और इंटरसेप्ट करते ही कुछ गोलियां भी चली, लेकिन जो वाहन चालक था वो भागने में कामयाब हो गया। अब इस वक्त इस बात की तो पुष्टि हो रही थी, हो गई है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब इस साजिश के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं उसको देखने के लिए जांच एजेंसियां काम करेंगी, और अगर NIA ने इस पूरे मामले को अपने अपने क्षेत्र में लिया है तो साफ है कि उनका फोकस इसी चीज़ पे रहेगा कि उन सब लोगों को सामने लाएं जो इस पूरी साजिश के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, जिस तरीके का पुलवामा का ब्लास्ट हुआ था और उसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी इसमें भी लगता है की गई थी कि कार में काफ़ी सारी मात्रा में IED और बाकी एक्सप्लोजिव्स लदे हुए थे। क्या उनका निशाना था, किस तरीके से ये आगे बढ़ने वाले थे, ये सब चीज़ें जांच के विषय होने वाली हैं आगे से। तो अब इसका इंतजार करना होगा कि कैसे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में आप देखिए, यह एक स्केच हमने बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे कैसे यहाँ तक जो है सुरक्षा बल पहुँचे हैं। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, सेंट्रो कार थी जिसमें नंबर लगा हुआ था 2-व्हीलर का। जांच इससे पहले, क्योंकि खुफिया विभाग की तरफ से इनपुट्स मिल रहे थे सुरक्षा एजेंसियों को, जिस बात की जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे, पिछले 3 दिन से खुफिया तंत्र इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव था, और जैसे ही सूचना मिली कि कुछ गड़बड़ है यहां पर, सुरक्षा बल वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही चालक फरार हो गया।
और इस गाड़ी में जो ये आईईडी बरामद हुआ भारी मात्रा में और उसके बाद इसे ब्लास्ट करके ही नष्ट किया गया। शुजा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुजा, कितनी मात्रा बताई जा रही है इस आईईडी की, क्योंकि जो अपुष्ट खबरें हैं उसे मालूम चल रहा है कि 40 किलो से भी ज्यादा ये आईईडी हो सकता है, और साथ ही क्या टारगेट था इस कार का, इस बारे में कोई इनपुट्स मिले? देखिए, अभी तक ये भी जांच का ही विषय बना रहेगा कि कितनी मात्रा में आईडी इसमें था, कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो तथ्यों के हिसाब से सामने आई हैं, उस एक पूरा बड़ा बैरल इस गाड़ी की डिक्की में भरा हुआ था जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्लोजिव्स बताए जा रहे थे कि मौजूद थे। अब ये कहाँ से आए थे, किस तरीके से वहाँ पहुँचे थे, गाड़ी कहाँ से आई थी, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब जैसे मैं बता रहा था कि जांच का विषय होगा। अगर NIA जैसी एजेंसी इस पूरे मामले को उठाती है तो साफ है कि इसकी जो सीरियसनेस है वो भी खुद में देखने के लिए सामने आ रही है। DG पुलिस ने खुद ही कहा है, आज सुबह से कहते रहे हैं कि NIA जैसी एजेंसी इस पूरे मामले को अपने जांच के क्षेत्र में लेनी चाहिए, तो उससे साफ ही जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे मैं पहले बता रहा था, इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं और उनको सामने लाने के लिए जाँच एजेंसियों को कोशिश करनी पड़ेगी। शुजा, जिस इलाके में ये गाड़ी बरामद हुई हम समझना चाहेंगे कि वो कैसा एरिया, लेकिन उससे पहले DGP ने क्या कहा है, एक बार ये सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। चेकिंग करते थे कल की रात, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार जिसमें IDs तैयार होकर के रखी हुई है, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया, और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का। कोरोना से जुड़ा अपडेट अब आपको दे देते हैं। देश भर में आंकड़ों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, रोजाना 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, कुल केसेस की तादाद 1,58,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 6,500 से ज्यादा मामले सामने आए। चिंता की बात यह है कि 194 लोगों ने वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का प्रहार हुआ है, SHO वायरस की चपेट में आ गए हैं, 400 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में पहले से ही आ चुके हैं। और एक बार फिर पुलवामा से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि आतंकियों ने एक बार फिर पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम देने की हिमाकत की है। आतंकियों ने एक सेंट्रो कार को विस्फोटक से भर दिया और एक बड़े आतंकी प्लान को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया, IED को डिफ्यूज कर आतंकी साजिश पर पानी फेर दिया। कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा जैसी आतंकी साजिश नाकाम। IED डिफ्यूज, टेरर प्लान नेस्तनाबूद। ये कार नहीं, तबाही का बड़ा हथियार थी जिसे चीथड़े चीथड़े कर दिया गया। इसी सेंट्रो कार में आतंकी विस्फोटक भरकर लाए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को साजिश का पता चल गया और कार समेत आतंकियों की पूरी प्लानिंग मटियामेट कर दी गई। जरा फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस कार पर 2-व्हीलर का नंबर लगा था, यानी फर्जी नंबर लगाकर आतंकी विस्फोट करने आए थे, और कार के भीतर रखे इस ड्रम में
विस्फोटक भरा था। सोचिए अगर सुरक्षा बलों को समय पर रहते साजिश का पता नहीं चल पाता तो क्या होता। सुरक्षा बलों को जैसे ही इस कार की खबर मिली वे एक्शन में आ गए। कार में फिट किए गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। बचाव में इस ऑपरेशन में कार की तो चिंदियां उड़ गईं, लेकिन साथ ही आतंकियों का मंसूबा भी जमींदोज हो गया। रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार जिसमें आईडी तैयार होकर के रखी हुई है, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। ये वही पुलवामा है जहां फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 45 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में तबाही की साजिश की, लेकिन इसे तहस नहस कर दिया गया। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। अब आपको दिखा देते हैं कि दरअसल इस अटैक की प्लानिंग को पुलवामा पार्ट टू क्यों कहा जा रहा है, कौन सी ऐसी बातें थी पिछले साल के पुलवामा अटैक में और इस साल जो ये साजिश को नाकाम किया गया उसमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं। 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमला किया गया था, सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और आज जो ये कार में आईडी पाया गया है इसमें भी कार में ही काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 45 सुरक्षा कर्मियों की 2019 में जान गई थी, लेकिन आज वक्त रहते इस कार को पकड़ लिया गया है। हालांकि जो 2019 का अगर मामला देखें तो उसमें ये साजिश आतंकियों की कामयाब रही थी। सीआरपीएफ को टारगेट किया गया था, 40 जवानों की जान गई थी, माफ कीजिएगा 45 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी और इस बार भी सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हमला टल गया है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। पुलवामा जिले के आयनगुंड गांव में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आज सवेरे यहां पर बारूद से बड़ी एक कार को लाया गया था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन पुलिस को समय रहते खबर मिली और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड घटना स्थल पर भेजा गया और गाड़ी को विस्फोट के साथ तबाह किया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास खबर मिली थी कि आतंकियों की तरफ से एक साजिश रची जा रही है जिसमें पुलवामा 2 के तहत जिस अंदाज से सीआरपीएफ पर हमला हुआ था उसी तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन उनके पास खबर मिली जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो सुरक्षा बलों का है वो घटनास्थल पर पहुंचा और विस्फोटक को बर्बाद कर दिया जिसमें वो गाड़ी भी तबाह हो गई। ब्लास्ट और आईडी की शिद्दत इस हद तक थी कि जो ये ब्लास्ट था इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इस ब्लास्ट में गाड़ी के साथ साथ कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस ब्लास्ट को इस्तेमाल करने से पहले ही गाड़ी समेत ब्लास्ट को पुलिस ने डिफ्यूज करके तबाह कर दिया। अशरफानी, श्रीनगर आज तक। तो एक तरफ आतंकी हमले की प्लानिंग हो रही है, दूसरी तरफ चीन सीमा पर लगातार साजिश कर रहा है, जवानों की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है। भारत की चीन की साजिश पर पैनी नजर है, कूटनीतिक चैनल से चीन को करारा संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन चीन और भारत की तनातनी में बिना बुलाए मेहमान की तरह अमेरिका कूद पड़ा है, जबकि द्विपक्षीय मामलों में भारत की नीति साफ है। बॉर्डर पर चीन की खुराफात का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो रही है जो भाषा उसे समझ में आती है। खबर है कि चीन ने एलएसी पर करीब 5,000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। यही नहीं, इन सैनिकों को मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में लाया गया है। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना का काफिला भी चल पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए पहुंच रहे हैं।
लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख स्काउट्स जो सेना की रेजिमेंट है, जिन्हें प्रमुख तौर पर इसीलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो इस तरह के हालात में किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहें, उनको फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग हिस्सों पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर चीन की हिमाकत की गवाह नई सैटेलाइट तस्वीरें कर रही हैं, जो बताती हैं कि चीन ने LAC के साथ लगे हुए अक्साई चेक के हिस्से में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। पिछले दो हफ्तों की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की यह हरकत पकड़ में आ गई है। LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर चीन दबाव डालने की रणनीति रच रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि ये 2020 का भारत है। इसे आंख दिखाना चीन को महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत और चीन के बीच तनाव में अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर तनातनी को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। हमने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अमेरिका उनके गंभीर सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है, शुक्रिया। इस मामले में भारत की विदेश नीति साफ रही है, वो पड़ोसी देशों से अपने मामले द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाता रहा है। उसे तीसरे देश की मध्यस्थता बिल्कुल कबूल नहीं है। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ दिल्ली में श्वेता सिंह और गौरव सावंत आज तक। जमातियों की अब बात करेंगे जिन पर चार्जशीट का सिलसिला थमा नहीं। आज तीसरा दिन है, 35 चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी हैं। आज लगातार तीसरे दिन साकेत कोर्ट में 12 और चार्जशीट दाखिल की जानी है। जमातियों पर कई तरह के कानून तोड़ने के संगीन इल्जाम हैं। आज कुल मिलाकर 47 चार्जशीट दाखिल हो जाएंगी। तीन देशों के 536 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो रही है, जबकि बीते दो दिन में 374 जमातियों पर चार्जशीट दायर हो चुकी है। विदेशी जमातियों पर आपदा और महामारी के कानून तोड़ने के साथ क्वारंटीन नियमों को नहीं मानने के भी संगीन इल्जाम है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट से पहले सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ की थी। सबने एक बात कही थी कि किस मार्च से बाद से मौलाना साद ने ही उनको मरकज में रुकने के लिए कहा था। मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 12 नए चार्जशीट दाखिल करेगी। ये नए चार्जशीट 536 विदेशियों के खिलाफ जो कि मरकज में यहां पे आए हुए थे, जो तीन देशों के हैं, उनके खिलाफ दाखिल की जाएगी। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने दो दिनों में 35 चार्जशीट दाखिल की है। अब जो नए चार्जशीट जो आज दाखिल हो जाएंगे, इनको मिला के कुल 47 चार्जशीट दिल्ली पुलिस पिछले तीन दिनों में दाखिल करेगी। जो टोटल जो नंबर है विदेशों की, उनकी संख्या 910 हो जाएगी। और सारे जो 35 अलग अलग देशों के ये नागरिक हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें जो सबसे गंभीर आरोप है ये है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करना, धारा 144 का उल्लंघन करना, और जो कोरोना को लेकर के एपिडेमिक एक्ट बनाया गया था उसके नियमों को भी नहीं मानना। तो ये सारे जो आरोप है वो इन विदेशियों के खिलाफ लगाए गए हैं। और 35 चार्जशीट पिछले दो दिनों में दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। 12 नए चार्जशीट आज दाखिल हो जाएंगे, तो कुल चार्जशीटों की संख्या 47 हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर, जिनमें जो फाइनेंशियल जो लेन देन थी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है कि जो लोग यहां पर आते थे वो किस तरीके से पेमेंट देते थे, किस तरीके से लेन देन होता था। मुंबई से 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंच गए। इन मजदूरों के लिए आज का दिन बेहद खास और यादगार रहा। झारखंड सरकार और एक एनजीओ ने 180 मजदूरों को प्लेन से मुंबई से रांची भेजा। इस पहल की वजह से पहली बार मजदूरों को विमान में सफर करने को भी मिला। इन मजदूरों की आज वो हसरत पूरी हुई।
जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी। सिर पर गठरी, चेहरे पर गरीबी और लाचारी के सबूत, आंखों में अनिश्चित भविष्य का अंधेरा। लेकिन रांची हवाई अड्डे पर उतरते हुए इनकी नजरों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक थी, क्योंकि इन्हें पहली बार विमान से यात्रा करने का मौका मिला। दो महीनों तक लॉकडाउन के दरमियान ट्रेन जो है वो चल नहीं रही थी। वहाँ पहुँचते थे रेलवे स्टेशन पे, लाखों की भीड़ होती थी और उन्हें निराशा हाथ लगती थी। इस बार नेशनल लॉ स्कूल एलुमनाई के पहल से 180 लेबरर्स जो है, माइग्रेंट लेबरर्स, उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है और उनके पहल पे नेशनल लॉ स्कूल जो बेंगलोर है उसके एलुमनाई के पहल से ये संभव हुआ है। 180 मजदूर आज प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का इनका दर्द छलक आया। सर ऐसा है कि हम लोग को यहाँ कुछ खाने का 2 महीना बैठ के खा लिया, तीसरा तो कुछ हुआ ही नहीं था इधर, इसके लिए हमको जाना पड़ा। आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर काम करते हैं। तो क्या काम बंद हो गया आपका? हाँ काम बंद है, क्या सेट बोलता है ट्रेन खुलेगा ही नहीं तो काम कैसा चलेगा। वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे कभी कम बेसी, उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे, पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था सर, बच्चे लोग थे दो, दिक्कत उक्कत होता था, इसके लिए जा रहे हैं। इधर बैठ के कितना दिन खाएंगे सर, काम खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी कोई मालूम नहीं था। कुछ कामगारों का ये भी कहना है कि उनके लिए अब इस सपने के शहर में लौटना मुश्किल है। वापस तो अभी मुश्किल है। क्यों? अभी तो देखेंगे, उधर ही कुछ करेंगे। नहीं आएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, उधर ही कुछ करेंगे। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं वापस आओ, यहीं रहना। तो उधर काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना, काम करने वाले को कहाँ नहीं काम मिलेगा। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर सामने आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया। पूछा हमने, सिर्फ बोला कि आप लोग को आना है तो फ्लाइट है, तो वी हैवंट रियली गॉन। माइग्रेंट्स का रिएक्शन क्या था? हमने वैसे पूछा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। खर्चा कितना आया है और खर्चा किसने वहन किया? खर्चा हमने उठाया नेशनल लॉ स्कूल अलमनाई इंटायर। और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं क्योंकि बहुत अच्छी काम हुई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है।
जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली, तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है, उस उन ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या कहना है अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग है इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर्स ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। सर, ये गाड़ी का जो ओनर है उसके बारे में कुछ पता चला कि ये 2-व्हीलर का नंबर है और कुछ? हाँ चला है, लेकिन हम लोग आप लोग से अभी शेयर नहीं करेंगे और 33 करोड़ आगे जा रहे रख रहे हैं इसको। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि पुलवामा में जो ये हमला हुआ, इसको लेकर क्या उनके पास पूरी डिटेल थी, उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले सेना की तरफ से चेतावनी दी गई, उनके पास लीड्स मौजूद थी, जिसके बाद इस गाड़ी को ट्रैक किया गया, इस तक पहुंचे, लेकिन चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनी के बाद भी जब चालक नहीं रुका, उसने भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने उसे फॉलो किया। सुरक्षा बल, पुलिस, CRPF का ये साझा ऑपरेशन, पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया, लेकिन सुरक्षा बलों के निशाने पर जो है ये पहले से ही था, लेकिन इनका मकसद एक बार फिर से सुरक्षा बलों को टारगेट करना था, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। 40 किलो से भी ज्यादा का विस्फोटक मौजूद था इस सेंट्रो कार में, पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया, नंबर प्लेट लगी थी 2-व्हीलर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG विजय कुमार ने जो जानकारी दी, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें ID भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड़ में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट, चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्नर को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BDS पार्ट गया, जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी CRPF पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़ा हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और करंटली CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली, तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो
आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है उस उन ये टीओ मिलके इसको अंजाम दे रहा था। अशरफ वारी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, यहाँ पर आईजी ने माना है कि इसके पीछे जैश और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें इनपुट्स थे, इसी के चलते हमने इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अशरफ, बिल्कुल नहीं, हाँ दरअसल अगर कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं कि पुलवामा पार्ट टू तरह की साजिश थी, तो वही अब साफ हो रहा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंस्पेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार ने कही कि जो विस्फोटक डिफ्यूज़ किया गया करीब 50 फीट ऊपर तक उस विस्फोट के शेंट पहुँचे, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस कार में 40 किलो से भी ज़्यादा विस्फोटक सामग्री थी और ये उतनी ही मिकदार और उतनी ही विस्फोटक और आईडी था जिस अंदाज से पुलवामा में जो 2019 में सीआरपीएफ कानवाय पर हमला हुआ था उतना बारूद इस कार में लदा हुआ था। और एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पर इस कार पर फायरिंग हुई, लेकिन फिर भी जो इसमें आतंकी था माना जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो फिदायीन हमलावर था, उसने दो जगह से नाकों को क्रॉस करके फिर इस कार को पुलवामा के गांव के पास पहुंचाया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।